क्यों? क्योंकि बच्ची है कौन है? नेमत रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। किससे खत्म कर इस मौके पर मुझे अपने बाबा जी का ये जुमला याद आ रहा है। इज्जत उसकी होगी जो रसूल की इज्जत करेगा। आप देख रहे हैं किसी ने रसूल अल्लाह की इज्जत की है, अल्लाह ने उसकी इज्जत में कितना इजाफा कर दिया। जहानों में उसकी इज्जत हो रही है जिसने रसूल अल्लाह की इज्जत की और जो हुजूर की इज्जत की बात करता है। तो अल्लाह हुजूर से कह रहा है कि मैं इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। और ये अल्लाह हुजूर को उस वक्त कह रहा है जब अल्लाह ने हुजूर को हर नेमत पहले से अता की हुई है। हुजूर के दर दौलत पर अल्लाह ने सब नेमतों को रखा हुआ है, यहाँ तक के सिर्फ रखा ही नहीं हुआ बल्कि कायनात के हर शख्स को नेमत मिलती ही तरह मुस्तफा से। तो जब कायनात को हर नेमत मिलती ही तरह मुस्तफा से है तो फिर अल्लाह जब अपने हबीब को ये कहेगा कि वाला सलफा यो जी का रखो का बतर दा हन करी तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा, तो फिर जहन में सवाल तो आना है ना कि वो क्या है जो अभी भी अल्लाह ने अपने हबीब को अता करना है। वाजिब क्या बात, क्या बात, वो क्या नेमत है जो अल्लाह ने अभी भी अपने हबीब को अता करना है? वो क्या शय है जो अल्लाह ने अभी भी अपने हबीब को देनी है? वो क्या है? यानी हमें तो ये पता कि हुजूर का दर अकदस वो है जहाँ कोई ऐसी शय है ही नहीं कि जो ना हो, लेकिन रब फिर भी कह रहा है सब कुछ दे के कह रहा है इतना दूंगा। आला हज़रत तो कहते हैं कि यहाँ क्या नहीं है, यहाँ तो जमीन भी इनके लिए, जमान भी इनके लिए, चुनी भी इनके लिए, चुनाव भी इनके लिए।